देखिए कचला घाट पे ही हम लोग इस समय बैठे हैं और इस जनपद के जो धार्मिक आस्था से जुड़े हुए लोग हैं और इसमें रुचि रखने वाले लोग हैं वो सब लोग आज यहीं पर घाट पे ही बैठे हैं और हम सब लोगों का विचार ये है कि यहाँ पर भव्य आरती प्रतिदिन गंगा की हो और जिससे कि लोग यहाँ पर जुटे, बाहर के भी लोग आए, बदायूं के अन्य आसपास के कस्बे गांव के लोग भी आए शाम को और एक अच्छा रमणीय स्थल बने। उसी क्रम में सबसे विचार विमर्श किया है, लोगों का जो विचार बना है कि इस बार मकर संक्रांति 14 जनवरी को होगी उसके पूर्व संध्या से ये कार्यक्रम शुरू किया है। तो इसको जनता की सहभागिता से, जन सहभागिता से हम लोग यहाँ पर करना चाहते हैं, उसी में आज रणनीति हम लोगों ने तैयार की है और इसको हम लोग तैयारी करके 13 तारीख से, जनवरी माह की 13 तारीख जो है उससे शुरू करा। सर किस तरह से, किस पद्धति से आरती, किस तरह से और पद्धति क्या, जैसे हमारी बनारस में आरती होती है जो बहुत लोकप्रिय आरती है पूरे देश के विश्व में, तो बनारस की तर्ज पर ही यहाँ पर हम जाते हैं। गंगा का यहाँ पर बहुत बड़ा लंबा क्षेत्र है जनपद बदायूं में और गंगा माँ की कृपा रहती है यहाँ पर काश्तकारों, किसानों पर, तो गंगा माँ की उस चरणों में हम लोग सब लोग आए, आरती हो तो उसी तरह हम लोग करेंगे जैसे बनारस में होती है उसी तरह और भव्य तरीके से करेंगे और जनता की सहभागिता से करेंगे।